वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम बटन बनाए एक्सेल में। जैसे हम डाटा टाइप कर चुके हैं, पहले तो देखेंगे ऐसे कैसे हम डाटा को एंटर करें। जैसे हमने पहले रो को हाइट को इंक्रीज़ किया है और जो बीच में डाटा टाइप किया है इसे हमने मर्ज एंड सेंटर अप्लाई किया है एंड रैप टेक्स्ट किया है। रैप टेक्स्ट मीन्स वन सेल में एक से ज़्यादा लाइन हम टाइप कर सकते हैं। और हमने ये डाटा किसी इंस्टीट्यूट की रिसिप्ट स्लिप का बनाया है, जैसे रिसिप्ट नंबर, स्टूडेंट नेम निकालना और ऐसी स्लिप स्टूडेंट की बार बार प्रिंट प्रव्यू निकाल के देखना या प्रिंट करना। तो हम बटन पहले सबसे पहले हम प्रिंट प्रव्यू बटन को बनाएंगे। कैसे जाएंगे व्यू में और रिकॉर्ड मैक्रो और इसका नाम देंगे मैक्रो का, जैसे हमने टाइप कर लिया है प्रिंट प्रव्यू और ओके। और उसके बाद हम मैक्रो करने के लिए रेडी हैं। कैसे हमें पता लगेगा मैक्रो ऑन है? जब हम जहाँ देखते हैं शो हो रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसका मतलब मैक्रो ऑन है। तो हम जिसका हम बनाना चाहते हैं मैक्रो उसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसे सेट करना है। और जाएंगे पेज लेआउट में और जहाँ पे प्रिंट एरिया शो हो रहा है वहाँ सेट प्रिंट एरिया करेंगे क्योंकि हम इसका प्रिंट निकालना है। और उसके बाद हम जाएंगे प्रिंट प्रव्यू में, प्रिंट प्रव्यू में जाके और देखिए ऐसे हमें प्रिंट प्रव्यू शो हो रहा है और इसे कर देंगे यहाँ से क्लोज़। और उसके बाद बटन हमने शेप से क्रिएट किया है, ये आप कर सकते हैं। शेप से उसमें डाटा टाइप किया और इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। और जब शेप से हमने बटन बनाया है ये अभी तो अलग चीज़ है, बट इसके जब हम राइट क्लिक करके असाइन करेंगे तो ये मैक्रो के साथ अटैच हो, जो हमने मैक्रो में नाम दिया है वो सिलेक्ट करके ओके करेंगे। यहाँ पर आप मैक्रो अप्लाई हो चुका है प्रिंट प्रव्यू का। जैसे हम क्लिक करते हैं ऐसे शो होता है प्रिंट प्रव्यू। देखेंगे कि विजुअल बेसिक में कोडिंग कैसे लिखी जाती है। जैसे हमने प्रिंट प्रव्यू बनाए इतनी कोडिंग हमें याद करनी पड़ती है, हम लिखनी पड़ती, बट हमारे स्टेप के मुताबिक ये कोडिंग अपने आप विजुअल बेसिक में बन गई। और आगे हम बटन बनाएंगे प्रिंट, सेम स्टेप। सबसे पहले तैयार करेंगे मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम टाइप करेंगे प्रिंट डॉक, कोई भी नाम ले सकते हैं इसमें और ओके। फिर सेट सेलेक्ट करेंगे डाटा को और पेज लेआउट प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया। और उसके बाद हम जाएंगे प्रिंट, क्योंकि हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट। प्रिंट में यदि आपने पीडीएफ क्रिएटर डाउनलोड किया है तो यहाँ पे शो होगा, सीधा ही आपकी फ़ाइल एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, उसमें सेव कर देगा। और यदि आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर भी यहाँ से सीधा अटैच कर सकते हैं और प्रिंट में सीधी कमांड जाएगी या पीडीएफ। तो ये हमने देखा एक्सेल में कैसे हम एक एक्सेल की शीट को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करें। तो उसके बाद ऐसे क्रिएटर ऑन हो जाएगा, यहाँ पे शो कर रहा है भी कहाँ अपने पीडीएफ को स्टोर करना है। यहाँ पे वो पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने डेस्कटॉप उसमें भी फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में आपके पीडीएफ जो भी एक्सेल में आप तैयार करते हैं पीडीएफ इस फोल्डर में आ जाएगा। उसके बाद से सेव कर देंगे क्योंकि ये हमने डाउनलोड किया है पीडीएफ क्रिएटर। अब हम करेंगे मैक्रो को स्टॉप, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो देखेंगे प्रिंट प्रव्यू हमारा ऐसे वर्क किया, हमने पहले कोडिंग इसकी की। तो अब करेंगे प्रिंट, ऐसे ही प्रिंट को हम असाइन कर देंगे ये मैक्रो, तो वो प्रिंट करेगा। और इसकी कोडिंग भी देखेंगे प्रिंट की कैसी कोडिंग बनी है, और इतनी कोडिंग हमें याद करनी पड़ती, वो स्टेप वाइज अपने आप विजुअल बेसिक में कोडिंग हो गई। इसी तरह हम असाइन करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।